लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान एक गर्भवती महिला से मारपीट की है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस की इस करतूत से लोगों में गहरा गुस्सा है। लोगों ने आज मानसरोवर थाने का घेराव किया। इसके बाद एडीसीपी साउथ को इसकी जानकारी दी गई, शिकायत की गई। ये लोग मानसरोवर थानाधिकारी सुनील कुमार को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की एक टीम बदमाश सुधीर पहलवान को गिरफ्तार करने गई थी। सुधीर पहलवान पुलिस की टीम से मारपीट कर फरार हो गया। इसके बाद अपनी नाकामी से गुस्साई पुलिस ने बृजेश शर्मा और उसके परिवार के साथ मारपीट की। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। शरद, मानसरोवर पुलिस का जो चेहरा यहां पर सामने आया है, खाकी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपराधी को पकड़ने में नाकाम रही तो एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई, क्या कुछ फिलहाल उम्मीद की जाए इतने शर्मनाक वाक्य के बाद एक्शन की? देखिए, मानसरोवर पुलिस सुबह एक अपराधी को, सुधीर पहलवान है उसको, पकड़ने के लिए गई थी। ये जो आप तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये पड़ोसी मकान का घर है। जब सुधीर पहलवान है वो वहां पर मिला था तो पुलिस के साथ उसने मारपीट कर दी थी, पुलिस के सिर में चोट भी आई थी। तो उसके बाद में ज्यादा जाब्ता वहां पर बुलाया गया, लेकिन उस दौरान जो सुधीर पहलवान था वहां मौके से फरार हो गया। उस दौरान पुलिस का ये कहना है कि जो पड़ोस का जो मकान था, इसके जो लोग रहने वाले हैं, उन्होंने बीच में बीच बचाव किया, पुलिस को पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद में जो व्यक्ति है ब्रजेश, उसको भी वहां पर थाने ले जाया गया, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। गर्भवती महिला है, उसके साथ में भी यहाँ पर मारपीट की गई। और उसके बाद में जो पीड़ित परिवार है, ये अब पुलिस कमिश्नरेट पहुंचा है शिकायत करने के लिए, क्योंकि जब SHO खुद इस पूरे मामले में शामिल है, उसी पर मारपीट के आरोप है, तो आला अधिकारियों के पास अब शिकायत लेकर पहुंचा है। एडिशनल DCP जो है साउथ के, उनसे अभी पीड़ित परिवार ने मुलाकात की। ये CCTV जो हम दिखा रहे हैं, ये भी पुलिस अधिकारियों को सौंपे गए हैं। पुलिस अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है। DCP, एडिशनल DCP जो है, उन्होंने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी, भले ही वो पुलिस के अधिकारी क्यों ना हो। तो इस मामले में IO बनाया गया अवनीश शर्मा को, अब इस मामले में एडिशनल DCP जांच कर रहे हैं। जांच के बाद में जो भी स्थिति होगी उसके बाद में ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर पुलिस अधिकारी का जांच को लेकर क्या कुछ कहना है शरद, क्योंकि जांच जल्द से जल्द हो, उसके बाद कार्रवाई हो, यही उम्मीद जो स्थानीय लोग हैं मानसरोवर के इस शर्मनाक वाक्य को सामने आने के बाद, खाकी की इस शर्मनाक तस्वीर को सामने आने के बाद लगातार उठा रहे हैं। एडिशनल DCP की बात करें, पुलिस अधिकारियों की बात करें, फिलहाल तो वो बचाव करते ही नजर आ रहे हैं अपने विभाग के लोगों का। उनका ये कहना है कि वीडियो जो सामने आया उसमें कहीं पर भी मारपीट करना सामने नहीं आया है। उसके अंदर जो व्यक्ति है उसको ले जाया जा रहा है, जब ले जाया जा रहा है तो पीछे से कुछ जो लोग हैं परिजन वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में ये चीज दिखाई दे रही है, लेकिन साफ तौर पर गर्भवती महिला को भी हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और वही खुद ये आरोप लगा रही है कि उनके साथ में मारपीट की गई है। तो इसके अंदर जरूर एक्शन लेना होगा पुलिस को। और एडिशनल जो इस मामले में IOB है, जांच कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस मामले में दोनों तरफ से बयान लिए जाएंगे, पीड़ित परिवार की बात भी सुनी जा रही है, साथ ही पुलिस के जो अधिकारी जिन पे आरोप लग रहे हैं उनकी बात भी सुनी जाएगी, और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ में हम एक्शन लेंगे, इस तरह की बात IO खुद कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें, जहां पर मानसरोवर में ये मामला सामने आया है, एक गर्भवती महिला जो कि अपने साथ मारपीट, अपने परिवार के साथ मारपीट का आरोप मानसरोवर पुलिस पर लगा रही है। शिकायत फिलहाल पुलिस अधिकारी को सौंप दी गई है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं।